नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज अपने इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के राजनीतिक गठबंधन की नीति पर। क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले हताश हो गए हैं या उन्हें हार का डर सता रहा है, या वो ये मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से उन्हें कड़ी चुनौती मिलने वाली है। कुछ तो है जो अखिलेश के अंदर डर पैदा कर रहा है। ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूं, जिस तरीके से अखिलेश यादव गठबंधन पर गठबंधन, गठबंधन पर गठबंधन करते चले जा रहे हैं। देखिए, गठबंधन सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन गठबंधन करने के दौरान वो इस बात को ध्यान में रखती हैं कि बहुमत की लड़ाई में वो अकेले हों। फिर जहां पे उन्हें सीटें कमजोर नजर आती हैं तो क्षेत्रीय समीकरणों या मुद्दों के आधार पर पार्टियों से गठबंधन कर लेती हैं। लेकिन अखिलेश यादव के गठबंधन की जो रफ्तार है उसको देखकर ये लगता है कि आखिर अखिलेश यादव के दिमाग में चल क्या रहा है। आइए पहले एक नज़र डाल लेते हैं अखिलेश यादव ने किसके किसके साथ गठबंधन किया है और किसके किसके साथ उनकी बातचीत चल रही है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है सुहेल देव राजभर समाज पार्टी से। इसके अध्यक्ष ओपी राजभर हैं, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। इसके अलावा महान दल से भी समझौता हो चुका है, संजय चौहान से भी गठबंधन हो चुका है। अपना दल, जिसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मम्मी कृष्णा पटेल हैं, उनसे भी बात लगभग फाइनल हो गई है। इसके अलावा आरएलडी से भी इनका गठबंधन हो चुका है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हाल ही में मिलकर गए हैं। राजा भैया से भी अखिलेश यादव की टेलीफोन पर बात हो चुकी है और मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है और वो भी जनसत्ता दल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ करना चाहते हैं। इसके अलावा ओपी राजभर के जरिए ओवैसी से भी गठबंधन की बात चल रही है। अब देखिए, अगर आपके सहयोगी दलों को ये पता चल जाता है कि जो हमारी प्रमुख पार्टी है वो अकेले चुनाव में नहीं उतरना चाहती है तो उन लोगों की हार्ड बार्गेनिंग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वो आपसे ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगी और इस स्थिति में अगर आप उनको आधी से ज्यादा सीटें दे देते हैं और आधी से कम पर लड़ते हैं या आधी ही सीटों पर लड़ते हैं तो इसका मतलब है आप बहुमत की लड़ाई से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब आप सामने विपक्षी दल से सीधा टकराना नहीं चाह रहे हैं, तो ये आपकी कमजोरी को बताता है। दूसरा यहां पे क्या सामने निकल कर आता है कि देखिए, जिन दलों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं वो जीतने के बाद में क्या गारंटी है छिटक कर दूसरे दल के साथ में ना खड़े हो जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर देखें तो जहां पे वो जीतती है वहां पे तो सीधी जीत दर्ज हासिल कर लेती, लेकिन जहां पे उसको अल्पमत की सरकार बनते हुए दिखती है तो सारे तिकड़म अपना कर सरकार बना लेती है। उसमें उसका कोई जोड़ नहीं है, उनके पास पैसा भी है, ताकत भी है, और यह कहिए सत्ता के गठन के लिए जितने हथियार होने चाहिए सब उनके पास मौजूदा टाइम में मौजूद हैं। आप गोवा का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। दूसरी बात अगर हम महत्वपूर्ण करें कि गठबंधन की राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। 2007 से पहले गठबंधन की राजनीति का ऐसा दंश उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला जो आज भी उसके जहन में बैठा हुआ है। यही वजह रही 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 2012 में आपको ही 224 विधायक जिताकर विधानसभा पहुंचाया गया था। 2017 की राजनीति की बात करें तो जनता ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिया। देखिए, दरअसल अखिलेश यादव के दिमाग में डर कहां से बैठ गया, मैं ये आपको बताता हूं। 2012 सन था, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2014 आता है, लोकसभा चुनाव होते हैं, मोदी की प्रचंड लहर चल रही होती है, लेकिन अखिलेश यादव को वो मुगालता होता है कि वो सबसे ज्यादा देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और सबसे कुशल प्रशासक हैं। अखिलेश यादव इसी अभिमान के साथ चुनाव में उतरते हैं, लेकिन चुनाव में महज समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल होती हैं। यहीं से अखिलेश यादव के दिमाग में खौफ भर जाता है। 2017 का इलेक्शन आता है, अखिलेश यादव कांग्रेस और आरएलडी के साथ एक बार फिर भाजपा को चुनौती देने विधानसभा चुनाव में उतर जाते हैं। नतीजा क्या आता है, सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी को सिर्फ 44 सीट हासिल होती है और कांग्रेस आरएलडी तो दहाई तक नहीं पहुंचती है। 2019 लोकसभा चुनाव आता है,
अब अखिलेश यादव का डर समझिए कि जो अपनी सबसे की राजनीतिक धुर विरोधी होती है मायावती, उनके साथ मंच साझा कर लेते हैं, उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। इसके अलावा आरएलडी से भी उनका इसमें गठबंधन होता है। नतीजा क्या आता है? समाजवादी पार्टी 5 सीटें पाती है, हाँ मायावती 10 सीटें पा जाती हैं, लेकिन आरएलडी में तो बाप बेटा दोनों हार जाते हैं। जी हाँ, अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों जाट बाहुल्य इलाके से चुनाव हार जाते हैं 2019 का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ओबीसी से। ओबीसी से ओपी राजभर के जरिए चर्चा कराई जा रही है कि कैसे गठबंधन हो सकता है। अब ये सोचिए, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में किसी भी बच्चे से आप ये पूछ लीजिए कि मुसलमान वोट किधर जाएगा, तो सब एक सुर में बताएंगे समाजवादी पार्टी में। फिर अखिलेश यादव के मन में क्यों डर है? दरअसल अखिलेश यादव को कहीं ये लग रहा है कि अगर ओबीसी अलग से उतरते हैं तो अगर उनको एक भी वोट मिलेगा तो वो समाजवादी पार्टी का होगा। अब ओबीसी 100 क्यों मांग रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या गणित है? तो उसके पीछे ओबीसी की एकदम सीधी गणित है। ओबीसी को अच्छी तरीके से मालूम है कि जहाँ पे भी 50% से ज़्यादा मुसलमान होगा वहाँ पे उनकी पार्टी जीत हासिल कर लेगी। उत्तर प्रदेश में कमोबेश 50 से 60 ऐसी विधानसभा सीट हैं जहाँ पे मुसलमानों की तादाद 50% से ज़्यादा है, और ऐसा ओबीसी का सोचना जो है वो किसी भी तरह गलत नहीं है। आप बिहार के इलेक्शन पर आइए, बिहार के 3 जिलों को देखिए, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, इन 3 जिलों में मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी। ओबीसी अपने कैंडिडेट उतारते हैं और 6 विधायक जीत हासिल करते हैं, लेकिन वो सीटें थी जहां पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर था, अकेले जिताने में सक्षम था। वहीं दूसरी ओर देखिए, ओबीसी का कैंडिडेट खड़ा होता है लेकिन उन सीटों पर जहां पे मुस्लिम 20 से 25 या 30 से 35 थे, जहां पे उन्हें मालूम था कि वो अकेले दम पर चुनाव नहीं जिता सकते हैं, तो वहां पे वो आरजेडी के पक्ष में वोट कर देते हैं जिससे बीजेपी जीत ना सके। तो ये बात ये ओबीसी अच्छी तरीके से जानते हैं, अखिलेश यादव भी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, इसी वजह से अखिलेश यादव ओबीसी के पक्ष में जाना चाहते हैं। अब बात यहाँ पे एक और आती है कि ठीक है, चलिए ओबीसी से आपने गठबंधन कर लिया, पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो गया, सब आपके पीछे आकर खड़े हो गया क्या, लेकिन चुनाव में जब यादव और मुसलमान एक साथ सड़क पर उतरेगा तब क्या होगा? उस स्थिति में पूरा हिंदुओं का ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि उनको वो जमाना याद आ जाएगा जो गुंडाई बदमाशी का यूपी का एक दौर होता था, उससे उत्तर प्रदेश निजात पा चुका है। योगी आदित्यनाथ की छवि इस मामले में बड़ी क्लियर है कि गुंडों माफियाओं पर वो बिल्कुल रियायत नहीं बरतते हैं। यहाँ पे किस तरीके से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की इमारतों पर, या कई जितने बड़े बड़े बदमाश थे, सिर्फ मुख्तार और अतीक ही का क्यों नाम लिया जाए, कई और बड़े बड़े नामी गामी लोग थे, सबके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए जितने उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में योगी सरकार बड़ी सफल, अपराध को रोकने के मामले में बड़ी सफल साबित हुई। तो अभी जनता के जहन में वो एक छवि बनी हुई है सुशासन की, लेकिन जब यादव मुस्लिम सड़क पर उतरेंगे तो एक खौफ पैदा होना लाजमी है, और ऐसी स्थिति में ध्रुवीकरण बड़ी तेजी से होगा। ठीक, एक तो खतरा ही है, एक हम बताते हैं आरएलडी का। देखिए, ये कैसे माना जा सकता है कि किसान आंदोलन को लेकर जाट ही पूरी तरीके से नाराज है या किसान पूरी तरीके से नाराज है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान केवल जाट नहीं है, जाटों के अलावा कई जातियां हैं जो किसानी करते हैं। वैसे भी जो ये आंदोलन है इसका मतलब पंजाब से है, उत्तर प्रदेश से इसका इतना कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट अगर थोड़ा बहुत नाराज ना होते तो इतनी आसानी से हमारे प्रधानमंत्री इन 3 कानूनों को वापस नहीं ले लेते। ठीक है, आरएलडी से तो आपका गठबंधन कई बार रहा, लेकिन चुनाव में हुआ क्या, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही कि जाट आरएलडी के पक्ष में नहीं गया? दरअसल 2013 में अखिलेश यादव की सरकार होती है, उसी दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, और उन दंगों में जाट और मुसलमान इतना भयंकर दंगा होता है कि बहुत लोग मारे जाते हैं। लेकिन चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की जो पावर थी वो थी जाट और मुस्लिम समीकरण, यही कुछ सोचते हुए आरएलडी के जो शीर्ष नेता थे वो जाटों के यहाँ नहीं पहुंचे, इससे जाटों में बड़ी नाराजगी फैल गई। पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आरएलडी के नेता पहुंचे नहीं, यही वजह रही कि सबने मिलकर बीजेपी को जिता दिया और बीजेपी का एक मजबूत किला पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन गया।
ऐसे में क्या लगता है जब प्रधानमंत्री ने तीन कानून वापस ले लिए हैं तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी जीत हासिल कर लेगी? क्या जाट इतना नाराज होगा कि वो 13 के दंगों की जो विभीषिता है या 13 के दंगों का जो दंश है, क्या उसके जहन से एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुका होगा? ऐसा कहना गलत है। इसके अलावा बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराजगी भी नहीं है, खासतौर से जब ये तीन ले लिए हैं, उसके बाद अभी अच्छा खासा समय है, जो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी भी तो बीजेपी दूर कर लेगी। ऐसी स्थिति में ये सारे समीकरण देखते हुए लगता है कि अखिलेश यादव जिसे जीत का फार्मूला मान रहे हैं, कहीं वो इनके लिए बहुत घातक साबित तो नहीं होने वाला है?